यहाँ एक माता के चरणों में तांबे का घड़ा बांधा है जी, इसको कहते हैं चरु। हिमाचल प्रदेश में घूमने की हमारी सबसे बड़ी शुरुआत ये है कि हम मंदिर से शुरू कर रहे हैं। ये एक शिला है यहाँ से और यहाँ तक एक पूरी एक शिला है और उसके ऊपर फिर ये दूसरी शिला रखी है। महिषासुर मर्दिनी माँ हाटेश्वरी। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं हाटकोटी मंदिर में। आप देख सकते हैं माँ का ये भव्य दरबार कितना सुंदर लग रहा है। तो ये थोड़ा हिलता डुलता है, तो इसको जंजीर में बांधा गया, इतनी मोटी जंजीर में बांधा, इसीलिए बांधा होना उन्होंने जब ये हरकत करता है। और साथ ही जो ये पांच छोटे छोटे मंदिर हैं, ये पांच पांडवों के हैं। तो जो मेरी वीडियो बिहार से देखते हैं दर्शक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बालाजी मिले हैं आपके स्टेट के। जरा की शादी हो गई है खेमचरा से। तो पांडव कालीन ये मंदिर है जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे। उधर ठाणा मंदिर है, रोटान जखान, इसीलिए लड्डू नहीं है इसमें, लड्डू इन्होंने खा लिया है शादी का लड्डू। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम हिमाचल के जाने माने प्रसिद्ध मंदिर हाटकोटी से। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर और भव्य मंदिर है, आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिखाते हैं आपको हाटकोटी का सुंदर और भव्य मंदिर। तो इस समय हम हैं हिमाचल प्रदेश में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डैम बना हुआ है और ऊपर के गाँव बहुत सुंदर लग रहे हैं और साथ ही यहाँ अच्छी खेती हो रखी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं इस क्षेत्र का शानदार नज़ारा। वो सामने बहुत सुंदर डैम बना हुआ है, डैम हिमाचल की पब्बर नदी पे बना हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं हाटकोटी मंदिर, तो ये है उसका मुख्य गेट। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय हम हैं हिमाचल के हाटकोटी में और ये सामने बिल्कुल कितने सुंदर गांव लग रहे हैं और यहाँ पूरे सेब के बगीचे हैं। ऊपर भी देख सकते हैं आप, ठीक ऊपर वहाँ भी लोगों के सेब के बगीचे हैं, उन्होंने वहाँ उनको जाली से ढकाया हुआ है। तो काफ़ी सुंदर ये क्षेत्र है। तो मैडम जी कैसे लग रहे हैं यहाँ आके? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। शिवांशी कैसे लग रहा है, आप हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में घूमने की हमारी सबसे बड़ी शुरुआत ये है कि हम मंदिर से शुरू कर रहे हैं, है ना। हिमाचल की ये दूसरी यात्रा, इससे पहले हम पांवटा साहिब गए थे। हाँ, पांवटा साहिब गए थे। तो वो तो मतलब पास ही था ना देहरादून से। कैसे लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। अच्छा, अब क्या पी रहे हो आप? जूस पी रहे हो? ये जो कि मैं उत्तराखंड से। तो इस समय हमें पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं शिमला के हाटकोटी मंदिर में, आप देख सकते हैं। और आज यहाँ मेला भी है, दशहरे का मेला लगा हुआ। तो काफ़ी सुंदर ये मंदिर है, हिमाचल का हाटकोटी मंदिर। और शिवांशी लोगों को मैं ढूंढ रहा था लेकिन वो यहाँ पे मिले। हमें तो हिमाचल से आ गया, भंडारे का इनवाइट। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं हिमाचल में और ये है हाटकोटी मंदिर। काफी सुंदर ये मंदिर लग रहा है। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं हाटकोटी मंदिर में, आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना सुंदर भव्य लग रहा है। तो इस समय हमें हिमाचल के खूबसूरत मंदिर हाटकोटी में, आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये मंदिर कितना भव्य और सुंदर है। तो आज के वीडियो में हम आपको कराएंगे इस सुंदर मंदिर के दर्शन, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला भी है, काफी लोग आए हुए हैं। समय हमें हाटकोटी मंदिर में, आप देख सकते हैं माँ का ये भव्य दरबार
कितना सुंदर लग रहा है। तो इस समय हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया था जौनसर भावर के जो मंदिर हैं, उसी शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और यहाँ पे दरबार में बैठे हैं शिवांशी की मम्मी शिवांशी और माही। तो आज काफी भक्तजन आए हैं मंदिर में, काफी भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस मंदिर के प्रवक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं इस मंदिर की स्थापना के विषय में, यहाँ के इतिहास के बारे में। तो सर, इस मंदिर की कुछ पौराणिकता के विषय में आपको बताओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप माँ के चरणों में आए और माँ भगवती आपका कल्याण करे। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। माँ भगवती की पुरानी इसकी हिस्ट्री पांडव के टाइम का बना है। महिषासुर मर्दनी है माँ हाटेश्वरी, और बिल्कुल साथ में शिव की पिंडी है, उसमें शिव शक्ति है। दो पिंडी, एक शिव जी की है, एक माँ भगवती की है। तो कहते हैं ये पांडव के टाइम का बना मंदिर है और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी जो फरियाद करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसका लिखित रूप कोई नहीं, जैसे कोई ग्रंथ है या कोई बड़ी वो कुछ नहीं जी, ये दंत कथा है। जैसे मेरे दादाजी ने मेरे बाप को बोला, बाप ने मेरे को बोला, मैं अपने बेटे को बोलूंगा, इसी तरह दंत कथा चली। और सेम जो आपके सामने है ये पत्थर के बने, ये पांडव के टाइम के बने हैं जी, और इसमें कोई दूसरी लिपि कोई नहीं। और ये माता भगवती है महिषासुर मर्दिनी, वर्ल्ड में ऐसी मूर्ति है नहीं, ये पूरी साक्षात आप देखेंगे। हाँ जी, आ जाए, अगर आप इसको देखेंगे माँ के चरण से लेकर शीर तक, तो इसका अपना एक अभूत रूप है। कहते हैं कि भाई ऐसी पहचान, ऐसी मूर्ति वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ लोग जैसे मैं अभी कहा उत्तराखंड मारा और मारा हिमाचल मारा कन्नौर भरमौर सरमौर पूरे इलाके बॉम्बे कलकत्ता, आज कई लोग कलकत्ता से महाराष्ट्र से गुजरात से आए थे लोग बिहार से, उन्होंने दर्शन चले गए। और आप देखो कहाँ से पहुंचे हैं। और आपका एक बात जरूर है कि माँ के चरणों में जो यहाँ पैड़ी है, यहाँ एक माता के चरणों में तांबे का घड़ा बांधा है जी। इसको कहते हैं चरु, ये कहते दो थे जी, एक चरु चले गया और ये दूसरा भी जा रहा था, इसको आवेश आके इसको पकड़ के माता के जंजीर में बांधा है, ये माता के कोने मतलब चरणों में बांधा है। तो ये कहते हैं कि भाई जब कभी हमारे दादा परदादा कहते थे कि जब कभी कोई आपत्ति आई या मतलब देश में या गांव में या कहीं पूरे हमारे क्षेत्र में, तो ये थोड़ा हिलता डुलता है, तो इसको जंजीर में बांधे गया, इतनी मोटी जंजीर में बांधा, इसीलिए बांधा होना, उन्होंने जब ये हरकत करता है तो इसको उससे नहीं खोले जाता। तो कहते कि भाई अभी भी हमारे पिताजी कहते कि भाई अभी भी कई बार जब कोई ज्यादा होता तो सीटियां सूटियां मारता है, कई बार सुनाई पड़ता है। ये सारा माँ भगवती की जो अपना एक स्वरूप है, ये बहुत देखने लायक है। आप आए ऐसे तो आपको पता लग गया होना कि कैसी मूर्ति है। इसके तीन वो है चौकीदार, जैसे नारसिंह वीर है, लंकड़वीर है, भैरव है, ये माता के गण है। तो यहाँ पूरी कमेटी, जैसे हमारे कमेटी है, हमारे पुजारी लोग है, पर विशेष चीज एक यहाँ है कि सुबह 4 बजे हमारे पुजारी लोग गंगा में जाते हैं, पानी लाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और मंदिरों में जैसे 10 बजे है, 4 बजे है, पर यहाँ सुबह ही होगी, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जी। तो वो पुजारी सुबह से लेकर धोती पहन के शाम को 8 बजे तक रहते हैं, जब समाप्ति हो जाती है। तो माँ भगवती की बड़ी लीला है यहाँ, हर देवी देवते यहाँ बड़े बड़े देवते आते हैं, जैसे कोटखाई है हमारा, कुनौर है हमारा, हर जगह से देवते यहाँ मंदिर में आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। हर लोग इंसान तो आएंगे, तो जो भी आया मैंने ये भी पाया कि भाई जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बताई और इसकी पौराणिकता क्या महत्व है, श्रद्धालु क्यों इस मंदिर में आते हैं, कि उनकी मनोकामनाएं निरंतर माँ पूरी कर रही है, इसलिए श्रद्धालु आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस कार्यों से माँ के चरणों में आए पूरा हो। तो ये है पवित्र तांबे का घड़ा, इसको यहाँ कहते हैं चरु, इसके बारे में अभी पंडित जी ने हमें बताया। और इस चरु को यहाँ पे मोटी जंजीरों से बांधा हुआ है। तो इस समय हमें
शिवालय में। समय है हम हाटकोटी में और ये हाटकोटी में है ये शिवा ये हाटकोटी में है ये महादेव का शिवालय। आप देख सकते हैं महादेव के दर्शन कर सकते हैं आप लोग। हर हर महादेव। ये शिवलिंग कितना बड़ा है, अद्भुत। मेरा तो घर से विचार था और ये अभी बोल रहा था उल्टा पड़ेगा। अच्छा, बहुत लेट लगेगा। पूरा दिन लग गया आज। देख सकते हैं ये मंदिर कितनी बड़ी शिलाओं से बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए कहीं भी गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो ये पत्थर हैं, फिर ये इसके ऊपर ये दूसरा पत्थर रखा गया है। इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ, आप देख सकते हैं। तो समस्त जो पौराणिक मंदिर हैं ज़्यादातर इसी तरीके से उनका निर्माण हुआ है। पत्थर, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर, कोई ईंट नहीं, कोई गारा नहीं, कोई सीमेंट नहीं, फिर भी ये मंदिर मजबूती से खड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मंदिर समूह, एक मंदिर वहाँ पे है, यहाँ पे ये है, ये है, काफी सुंदर लग रहे हैं। बड़े बड़े शिलाओं से बना हुआ है। ये एक शिला है यहाँ से और यहाँ तक, एक पूरी एक शिला है और उसके ऊपर फिर ये दूसरी शिला रखी गई है। इस तरीके से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और साथ ही जो ये पांच छोटे छोटे मंदिर हैं, ये पांच पांडवों के हैं ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे शिवालय है जो शिव जी को समर्पित है। उसके बाद बीच में ये मंदिर है, यहाँ पे माता के लिए भोग बनता है। और सामने वहाँ पे मंदिर है माँ हाटकालिका का, काफी सुंदर और भव्य मंदिर है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि माता ने यहाँ पे महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था। माँ महिषासुर मर्दनी का ये सुंदर भव्य मंदिर हाटकोटी मंदिर। तो ये मंदिर परिसर अपने आप में सुंदर है, भव्य है, काफी पौराणिक है। आपको मंदिरों की बनावट से ही लग रहा होगा कि ये मंदिर काफी पुराना है। और इस मंदिर को बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर की शिलाओं का उपयोग हुआ है। कहीं भी मंदिर में सीमेंट का प्रयोग नहीं है या मिट्टी का प्रयोग नहीं है। तो आप देख सकते हैं मंदिर भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने आपको हनोल में दिखाया था। तो हनोल में मंदिर केवल एक ही था। ये अलग अलग मंदिर है, एक मंदिर वहाँ पे, एक मंदिर यहाँ पे, एक मंदिर, लेकिन मंदिर उसी प्रकार से है, नागर शैली में बना हुआ, काफी सुंदर और भव्य। तो पांडव कालीन ये मंदिर है, जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे और उस समय उन्होंने इन मंदिरों की स्थापना की। मंदिर काफी सुंदर और पौराणिक है और निरंतर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हेलो बोलवा, कहाँ से आया? बिजोरी रोडू से। अच्छा ठीक है, तो दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हम भी आए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए माता के। और माही, आपने बोला कुछ ईयर में? तो सभी लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, अब तकते हैं वापस अपने नई डेस्टिनेशन पे। तो काफी सुंदर ये मंदिर, तो काफी सुंदर ये मंदिर है और काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं, आप देख सकते हैं पांडव कालीन ये मंदिर। तो ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इन स्थानों पे आए और उन्होंने इन मंदिरों की स्थापना की। इस समय हमें हिमाचल के हाटकोटी मंदिर में, और मंदिर काफी भव्य और सुंदर है, मंदिर पौराणिक है, पांडव कालीन ये मंदिर है। मंदिर में हमने माँ के दर्शन किए और माँ से इस जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना की। आप लोग सभी सुखी हो, संपन्न हो, ऐसे हमने माँ से कामना की है। यह मुख्य द्वार पे लगी हुई शेर की प्रतिमा, एक प्रतिमा यहाँ पे है और एक प्रतिमा यहाँ पे, यहाँ पे हैं लाकड़ा वीर महाराज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लाकड़ा वीर महाराज। तो उनके यहाँ पे ये प्रतिमा बनाई गई है। चलो पार्क में भी जाएं नीचे। और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप कितना सुंदर पार्क है। वो सामने वहाँ मेला भी लगा हुआ है लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए। और ये लोग वहाँ से मेले से घूम के आ रहे हैं, यहाँ से घूम के आ रहे हैं, मेले से घूम के आ रहे हैं।
अच्छा कैसा था? ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। आज दशहरे के उपलक्ष्य में होता है ये मेला? हाँ जी, दशहरे के उपलक्ष्य में होता है। ऐसे तो प्रतिदिन की रश होती है ना, और खास करके नवरात्रों में तो खाना ही नहीं है। अच्छा, कहाँ के हुआ? मैं जी बिहार से। अच्छा, बिहार से। आप तो इस क्षेत्र के बारे में जानते नहीं होंगे? यार बिल्कुल जानता हूँ जी, 10 साल से मैं यहीं हूँ। अच्छा, तो ये सामने के ये गांव दिखाई दे रहे ना, इनके बारे में कुछ पता है? सॉरी सर, ये मैं इधर नहीं, मैं तो उधर रहता हूँ, कोटखाई साइड में। अच्छा अच्छा, किस में करते हैं आप जॉब? मैं एम्प्लॉई हूँ बैंकिंग में। बैंक में, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बालाजी है। बालाजी मिल गए हैं जो यहाँ पे बैंक में हैं और बिहार के हैं। तो जो मेरी वीडियो बिहार से देखते हैं दर्शक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बालाजी मिले हैं आपके स्टेट के, और यहाँ पे हिमाचल में हाटकोटी में माता के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, और मेले का भी आपने आनंद लिया। और इन्होंने यहाँ पे ले ली आइसक्रीम, पर ऐसे नहीं कि पापा के लिए भी लें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सुंदर और ये रमणीय स्थान है, चारों तरफ यहाँ पेड़ लगे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं आलूदा, कितने का है? 80 रुपए जी। हैं? 80 रुपए। 80 रुपए का। ये सब मेले देख के आ रहे हैं? मेला देख के आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, मेला आप यही के हैं? यही के? यहाँ कितनी है? थोड़ा दूर है, 20 किलोमीटर। तो ये सामने गांव का कुछ आइडिया, ये गाँव क्या बताओ? ये उधर ठाणा मंडल है, रोहतांग जखरान ऐसे सा गांव है इधर। अच्छा, ये कहाँ में पड़ता है, हिमाचल में कि उत्तराखंड? हिमाचल। ये हिमाचल में? ये सारा हिमाचल में। अच्छा, पूरा हिमाचल में, इसीलिए सेब खूब रखे हैं। ठीक, तो ये पूरा एरिया जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा हिमाचल का है। यहाँ पेड़ पे लोगों ने अपनी मन्नतों की चुनिया बांधी हुई है, काफी अच्छा लग रहा है। अभी करी शादी आपने? कहाँ के आप लोग? हाटकोटी मंदिर में। हाटकोटी मंदिर में आपने शादी की? नहीं, घर कहाँ है? घर नेपाल में। नेपाल, दोनों नेपाल के हो? हाँ जी। ठीक है, बधाई आपको शादी की, है ना। अच्छा, आपने मिठाई दे दी इनको? चलो, ये देखो मैंने मिठाई ली है। मिठाई ली? मिठाई ली। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम खेमराज साहू है। खेमराज, और आपका नाम? तिलचरा। सिलचरा, सिलचरा की शादी हो गई है खेमचरा से, और तिलचरा तिलचरा की शादी हो गई है खेमराज से। और देखिए इनके चेहरे पे कितनी मुस्कान है, बहुत खुश हो गए। ये शादी का लड्डू खा लिया इन्होंने, और इसमें इसीलिए लड्डू नहीं है, ये डब्बा, इसीलिए लड्डू नहीं है इसमें, लड्डू इन्होंने खा लिया है शादी का लड्डू। ठीक है, बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है फिर, है आ जाओ, भूल जाएंगे। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर मंदिरों के वीडियो आप लोग आगे भी देख सकें। तो मिलते हैं आपको एक नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए।